हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही काम का चैप्टर जिसका अर्थात है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबकॉन्शियसली ये मत समझना कि ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं बट प्रॉफिट के रूप में नहीं कमाते। इसका मतलब ये वो सारी सर्विस इंडस्ट्री की तरफ बात करी जा रही है, तो अपनी सर्विसेज बेच के, तो अपना सब्सक्रिप्शन बेच के पैसा कमाते हैं। मतलब दीज पीपल आर नॉट ट्रेडर्स, इनका कोई ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, इनका इसकी जगह मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इन सभी लोगों का बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो कि ये कौन लोग होते हैं और ये चीज क्या करते हैं। तो आप कोई भी स्कूल ले लो, स्कूल आपका एनपीओ, जिम आपका एनपीओ, कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो गया वो आपका एनपीओ है। कुछ बच्चों को दर्द हो जाएगा ये सुन के, और ऐसा स्कूल वाले इतनी फीस चार्ज करते हैं, जिम वाले इतनी फीस चार्ज करते हैं, और फीस का ऑफिशियल नेम होता है सब्सक्रिप्शन। जब आप जिम की मेंबरशिप लेते हो ना, तो उस मेंबरशिप को बोलते हैं हमने जिम का सब्सक्रिप्शन लिया है, हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया। इस वर्ड का मतलब होता है, सब्सक्रिप्शन वर्ड का मतलब होता है फीस। तो ये लोग कुछ माल नहीं बेच रहे, कुछ खरीद के कुछ नहीं बेच रहे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज कर रहे हैं, फीस। क्या चार्ज कर रहे हैं, अपनी फीस चार्ज कर दे फॉर द सर्विसेज गिवन, फॉर द सर्विसेज गिवन। सर ठीक है, अच्छी बात है। तो सर क्या इसमें स्कूल्स, जिम, स्पोर्ट्स क्लब ये सब आ गए? तो टू बी वेरी फ्रेंक, यस, इसमें स्कूल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, बाकी सारी चीजें भी आ जाती है। सर डॉक्टर्स, इवन हम टीचर्स होते हैं, हम जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, सर क्या हम भी एनपीओ है? हाँ सर, क्योंकि देखो ना यार, हमारे लिए बहुत ईजी बताऊँ क्या होता है कि हम कोई ओपनिंग स्टॉक तो रखते नहीं है, तो सर ना तो हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक होता है, ना तो हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक होता है, ना तो हमारी कोई सेल्स होती है, ना तो हमारी कोई परचेज होती है। हमारे यहाँ पे बिकता तो क्या बिकता है, सब्सक्रिप्शन। क्या बिकता है, सब्सक्रिप्शन। तो सर इन सब लोगों को जो आपने पहले कभी सब्सिडरी बुक पढ़ी थी बहुत सारी, वो सारी सब्सिडरी बुक ना बनाते हुए हमारे लिए दो ही बड़ी बुक होती है। पहली बड़ी बुक तो हम बस एक ही बनाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे सर एज अ टीचर या स्कूल वाले क्या बनाते होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि अगर बोलूं पार्शियल, पूरा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आता है डिफरेंस, पार्शियल रेप्लिका होता है आपकी कैश बुक, जो कि पार्शियल रेप्लिका क्या होता है, कैश बुक का। सर इसको अपन है ना एक स्कूल के माध्यम से, एक कोचिंग के माध्यम से पूरे एनपीओ को समझने की कोशिश करते हैं। आज सर अगर आप 1 अप्रैल को अपनी कोचिंग ब्लड से इस साल की नई बुक्स खोलते हो, तो आप क्या बनाते? मतलब मैं कुछ नहीं बनाता हूं, मैं तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट एक डायरी रख के रखी बाहर, उसमें हर कैश की ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेता हूँ। सर मतलब कैश की ट्रांजेक्शन की, टू बी वेरी फ्रेंक 90% यस, कैश की ट्रांजेक्शन। सबसे पहले उसमें आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चाहे वो मेरे कैश का हो या मेरी बैंक का बैलेंस हो। सर इसके बाद यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हो हर दिन की टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब आज कितने बच्चों की फीस आई, आज कितने बच्चों की फीस आई। तो सर आप सब्सक्रिप्शन लिखना शुरू करते हो, ये आपके लिए पैसा आने का माध्यम, ये आपके लिए पैसा आने का माध्यम है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब ही क्या हो गया आपके पास, फीस। सर ठीक है, मतलब सबसे बड़ी मेरी अगर बिजनेस की 80% ऑफ सी इनकम कोई आती है, तो यहीं से आती। कोई बच्चा, अच्छा इसमें भी ऐसा नहीं होता कि इस साल की फीस, कुछ बच्चे पिछले साल की फीस भी इस साल आके भरते हैं भाई, कुछ बच्चों ने मार्च में ज्वाइन किया हो तो अप्रैल में फीस भर रहे हैं। तो अगर समझो साल चल रहा है मान लो आप 22-23, तो इसमें कुछ बच्चे 20-21 की भी फीस भरेंगे तो भी यहीं पे लिखूंगा, कुछ बच्चे 21-22 की फीस भरेंगे तो भी यहीं लिखूंगा, कुछ बच्चे 2-3 साल के लिए कोई कोर्स पढ़ने आते हैं कैट का, आईपीएम का, तो उसकी फीस भी यहीं पे लिखूंगा। तो सर इसका मतलब आप सारी फीसेस यहाँ पे लिखते हो। मैंने बोला यस, मैं सारी फीसेस यहाँ पे लिखता हूँ, तो चाहे वो 21 हो या 22-23 हो, मैं सारी फीसेस यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो सर ये अच्छी बात है। तो मेरी बिजनेस की जो 80% ऑफ माई कैश बुक या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कहाँ से बढ़ जाता है, सब्सक्रिप्शन। सर क्या कुछ और भी
आपको पैसा आता होगा, मतलब देख ऐसे तो कुछ ज्यादा नहीं आता। हाँ कभी कोई किसी प्रकार की अगर मेरी कोचिंग चल रही है, अगर मैं यहीं पे कुछ सेल ऑफ मटेरियल कर रहा हूँ, सेल ऑफ स्टडी मटेरियल। अब सेल ऑफ स्टडी मटेरियल का मतलब क्या कि अगर मैं कोई बुकलेट्स है जो बच्चों को बोलता हूँ खरीदनी हो तो बाहर से खरीद लो, हमारे यहाँ से ही आपको 70 रुपए की मिल जाएगी, तो सर आप उसके थ्रू थोड़ा बहुत पैसा चाहो तो कमा सकते हो कि आपने स्टडी मटेरियल बच्चों को फीस के साथ में देते हुए अलग से बेचना चाहो। डॉक्टर जैसे मेडिसिन बहुत बार बेचते हैं कि बाहर शॉप है, बाहर शॉप से मेडिसिन ले लो, या डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन का अलग से 70 रुपए चार्ज लगेगा, तो वॉट एवर। सर इसके अलावा आपको कौन सी इनकम आएगी? अगर मैं अपने सारे बिजनेसेस को जोड़ लूं इसके अंदर, तो सर अगर आपने कोई चीज रेंट पे देके रखी है तो उसका रेंट आ जाएगा। सर कोई अगर आपने शेयर्स वेयर्स खरीद के रखे तो उसका डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है ना? तो रेंट आ गया, डिविडेंड आ गई। सर कहीं कहीं से आप कुछ काम करके आते हो, उस काम के ऊपर कमीशन मिलती है। जैसे अगर मैं बच्चों को कोई पर्टिकुलर कॉलेज सब्सक्राइब करता हूँ तो कॉलेज से कोई कमीशन आती है, व्हाटएवर। तो सर ये सब कमीशन रिसीव हो गई, डिविडेंड रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, ये भी मेरी इनकम हो सकती है। एक बड़ी इनकम जो मुझे मिलती है वो अलग अलग कॉलेजेस में अगर मैं गेस्ट लेक्चर लेके आता हूँ उससे मुझे ऑनोरेरियम मिलता है। ऑनोरेरियम का मतलब होता है कि मेरे को ऑनर देने के लिए, सर आपको क्यों ऑनर देंगे? कुछ नहीं, मैंने उस स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए कुछ पढ़ा के लेके आया, तो उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। तो अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में आप कोई भी गेस्ट लेक्चर लेके आए उसके बिहाफ पे उन्होंने कुछ आपको दिया तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। मैंने बोला हाँ ये मेरी इनकम हो सकती है। सर एक बड़ी इनकम ऑनोरेरियम के अलावा एक और बात ध्यान रखिए, अगर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, हमारे संस्था को कोई जनरल डोनेशन दे रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने का, या मैं इन चार बच्चों की फीस डोनेट करना चाहता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारे पास जनरल डोनेशन। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम एक ओपन लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं कि जिसमें कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, क्या इसके लिए कोई डोनेशन देना चाहेगा? तो वो आता है स्पेसिफिक डोनेशन कि सर को लाइब्रेरी बनानी है तो लाइब्रेरी के लिए स्लैश प्ले ग्राउंड के लिए स्लैश कोई भी और ऐसी कोई कॉमन कॉज जिसके लिए आप चाहो तो एक प्रकार से स्पेसिफिक डोनेशन आपकी कोचिंग को या आपके इंस्टीट्यूट को मिल सकता हो। तो जैसे कुछ कुछ स्कूल्स के जो एक्स मेंबर्स होते हैं, एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने स्कूल में कोई ग्राउंड बनवाने के लिए, तो कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिक डोनेशन देते हैं। सर ठीक है, ये बात भी हो गई। सर कभी कभी है ना एक स्पेशल डोनेशन आता है, इसका नाम ध्यान से रखना, इस पर थ्योरी क्वेश्चन में सकता है, उसका नाम रहता है लेगेसीज। सर लेगेसीज मतलब इनकम थ्रू विल, इनकम थ्रू विल। अभी सर इसका मतलब क्या होता है कि समझो कोई अपनी विल में लेके गया है कि मेरे जाने के बाद गुरुकुल इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ रुपए दिए जाए उनकी निरंतर प्रयास और सेवा के लिए, जो समाज की सेवा करते हैं, तो क्या सर वो भी आपको मिलेगी? हाँ। तो सर लीगेसीज में क्या बहुत बार लोग लिख के जाते हैं? हाँ। अगर तो सर जरूरी नहीं कोचिंग के लिए, अब आप सोचो ना इसमें सब लोग आ गए, चैरिटेबल ट्रस्ट भी आते हैं एनपीओ के अंदर, एनपीओ के अंदर कोई स्पोर्ट्स कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, तो वो भी क्या होते हैं? एनपीओ होता है, तो उनके नाम पर तो लोग लिख के जाते हैं, ठीक है ना? तो सर ये बात तो अच्छी है कहीं ना कहीं। ये तो फिर भी बताऊं आपको समझना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का वो सिर्फ यही है समझना, क्योंकि होती है फीस, क्योंकि बिजनेस की 80% ऑफ फीस यहीं से आती है। सर क्वाइट ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक बात है, मैंने बोला हाँ। अब अगर मैं आगे की बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो खर्चे क्या होते हैं? खर्चों की कमी नहीं, सबसे बड़ा खर्चा है हमारा रेंट। हम जिस प्रमाइसेस में अगर कोचिंग चला रहे हैं तो रेंट, सर आप अकेले तो पढ़ा नहीं रहे हो, आपके साथ बहुत सारे फैकल्टीज हैं, तो उन सब फैकल्टीज की क्या रहेगी? सैलरीज। सर अगर अपन बात करें ये रेंट रिसीव्ड, ठीक है, वो रेंट क्या है? पेड। भाई मेरी कोई जगह खाली पड़ी है, वो मैंने किसी को दे दी, उससे मुझे क्या मिल रहा है? रेंट। और ये क्या है? रेंट पेड। ये क्या है? रेंट तो सर रेंट हो गया, सैलरी हो गई। सर खर्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो जो ये स्टडी मटेरियल आप बेच रहे थे यहाँ पर, तो क्या सर इसकी प्रिंटिंग नहीं हो गई क्या? तो सर प्रिंटिंग के एक्सपेंस हो गए। अगर मैं बात करूं आपका स्कूल या कॉलेज है या कोचिंग भी है, इस पर आपका कहीं न्यूज पेपर आ रहा है,
तो क्या सर उसके खर्चे होते? मैंने बोला हाँ उसके खर्चे भी होते। सर क्या लाइटिंग के खर्चे होते? यस, तो लाइटिंग के खर्चे होते। सर इवन अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो, मैं बीच में एक वर्ड लिख आ रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? अगर आप इसमें, क्योंकि रिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, अगर आप कोई लैंड खरीद रहे हो कोचिंग के लिए, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, कोई टीवी खरीद रहे हो, कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, तो क्या सर ये सब खर्चे भी इसी में आएंगे? मैंने बोला हाँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट इस अकाउंट का मतलब क्या है? पैसा आया पॉजिटिव, पैसा गया नेगेटिव। अब वो आपने कुछ भी खरीदा हो, फर्नीचर खरीदा हो, मशीनरी खरीदी हो, कोई इक्विपमेंट खरीदे हो, कोई स्टॉक खरीदा हो किसी चीज का, तो वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। सर वैसे तो फिर जब ये बीतोगे तो इस तरह आना चाहिए। मैंने बोला यस, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि सर कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या? तो कोचिंग की रेगुलर रिसिप्ट नहीं हुई, कैपिटल रिसिप्ट। अभी सर कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका? अगर आप सेल ऑफ क्या कर रहे हो, लैंड कर रहे हो, या बिल्डिंग कर रहे हो, या फर्नीचर कर रहे हो, तो अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो वो सब किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। और सर ये सब किस में आया आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सर ठीक है। सर इसके अलावा, मैंने बोला इसके अलावा आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, या कोई चैरिटेबल संस्था हो गई, या जिम हो गया, आप उसके बहुत सारे खर्चे गिन सकते हो। कुछ रिपेयर्स हो गए, अगर मैं बात करूं तो भी, अगर आपने लोन वोन लेके रखा है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो, तो क्या सर ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं? मैंने बोला हाँ। तो इंटरेस्ट हो गया। सर अगर आप कोई बुक्स खरीद रहे हो तो क्या वो भी खर्चा है? सर लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो इसमें आप सारे खर्चे लिख देते हो, तो सर जो ऊपर ऊपर अपन ने खर्चे बात करे थे दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखने की है कि ये सारे ही खर्च ऊपर ऊपर वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। कौन से एक्सपेंडिचर थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो यहाँ तक की खर्चे थे वो कौन से खर्चे थे? अगर हम बात करें तो रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट थी और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या था आपके पास? एक्सपेंडिचर। अगर अपन बात, तो यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट होगी और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसमें ही आएगा, लेकिन ये क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या बताता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट अ कैश बुक फॉर द ईयर, अ नॉर्मल कैश। इसका मतलब इसको एग्जैक्टली कैश बुक मत बोलना, क्योंकि कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट डिफरेंस होते हैं। बट कितना धन आया माइनस कितना धन गया। अगर आज किसी को भी, आज अगर मेरे फादर ट्रेडिंग कंसर्न, अगर उनकी कपड़े की शॉप है, क्लॉथ का बिजनेस है, तो उनको बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ट्रेडर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, अलग अलग स्टॉक की टीम। सर आपको क्या करना पड़ता है? मेरे को पूछ रही, मेरे को सिर्फ एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। इस बच्चे की फीस आई, इस बच्चे की फीस नहीं आई, खर्चा है हर महीने का। तो सर मेरी अकाउंटिंग में, अगर किसी भी एनपीओ की अकाउंटिंग, इवन किसी की स्कूल की भी अकाउंटिंग काफी ईजी है। सर स्कूल की अकाउंटिंग कैसे इजी है? या स्कूल की अगर आपको, उसको बेचारे को इनकम निकालनी हो तो उसको कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी है, उसको एक तरफ क्या करना है? रेवेन्यू निकालना है। तो सर रेवेन्यू कैसे भैया? बच्चों की फीस उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू है, या बोलूँ सिर्फ फीस ही उसका रेवेन्यू? तो कुछ नहीं करे, इस तरफ लिख दे सारी फीस 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 फीस, और उस तरफ स्कूल के खर्चे लिख दे एक तरफ, जो भी स्कूल के खर्चे होते, उसका ऑटोमेटिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच जाए। तो सर अभी जो आपने अकाउंट पढ़ा, अकाउंट कभी बनाने को एग्जाम में नहीं है, ये आपका क्या हो गया? अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसमें से आपको बनाना क्या पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप नए हेडिंग डाल दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर अपन बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसका क्या हिसाब किताब है? इसमें आपकी इस तरफ प्रॉपर वाली अगर हम बात करें तो प्रॉपर वाली इस तरफ आती है इनकम, और इस तरफ क्या आता है? एक्सपेंडिचर। सर ये किसका रेप्लिका है? ये एक प्रकार से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप का है, उसका रेप्लिका है। लॉजिकली कोई मुझसे पूछेगा सर इनकम का सोर्स क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखना। और इसमें सब्सक्रिप्शन आना चाहिए सिर्फ इसी साल का,
ना कि अगले साल का, ना कि पिछले का। तो सब्सक्रिप्शन किसका? ओनली फॉर दिस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास पैसा बहुत सारा आया भी लेकिन उसमें से कुछ अगले साल का आ गया, तो क्या वो इस साल की इनकम होगी अगले साल की इनकम? अगले साल की। अगर मेरे को कोई बच्चा बोले कि सर इस साल के, सबसे पहले तो एक बात करो, इस साल के एंड में कुछ बच्चों की फीस नहीं आई, मतलब फीस या सब्सक्रिप्शन ड्यू एट एंड ऑफ द ईयर, अभी तक उनकी आती है, पढ़ रहे हैं, बोला है देंगे, कंफर्म देंगे, हाँ कि ना, और है भी इस साल के बच्चे, तो क्या वो इसमें ऐड होनी चाहिए? आंसर इज यस, भले वो मिली नहीं है, कैश में नहीं मिली। सर फीस का मतलब क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन। फीस का मतलब क्या हो गया आपका? सब्सक्रिप्शन। भले वो फीस मिली नहीं है लेकिन इस साल की बनती है, यस। अब अगर सर आपको पिछले साल वाले बच्चों की फीस इस साल आ गई, थे पिछले साल के बच्चे, पढ़ा पिछले साल, लेकिन इस साल आके अप्रैल में या मई में आके फीस, तो आपकी फीस में तो ऐड हो गई वो, आपके तो कैश बुक बोल रही पैसा आया पैसा आया, लेकिन लॉजिकली बताओ पिछले साल वाले बच्चों ने जो फीस बकाया अगर इस साल दी तो इस साल की इनकम है, तो उसको माइनस का मतलब आप एक प्रकार से बोल सकते हो सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का बात, सब्सक्रिप्शन जो कि आउटस्टैंडिंग था अब इस साल की बिगिनिंग में, बिगिनिंग उसको आप नहीं ले सकते क्योंकि ये लास्ट ईयर्स इनकम। आप यहाँ पर चाहो तो लिख लो कि दिस इज व्हाट लास्ट ईयर्स इनकम, इनकम, गॉट इट। सर अगर मैं बात करूं किसी पिछले साल वाले बच्चों ने इस साल की फीस एडवांस में दी, मतलब साल शुरू होने के पहले ही आपको एडवांस मिल गया था आपकी नई बैच का, सर आप तो बताओ नई बैच कौन सी शुरू कर रहे हो हमारे, तो क्या वो ऐड होगा? यस, तो एडवांस फॉर दिस ईयर, एडवांस फॉर दिस ईयर कब मिला होगा? एट बिगनिंग। तो ये एडवांस एट बिगनिंग क्या हो जाएगा? एड। सर इस साल के एंड में, इस साल के एंड में अगर आपको एडवांस मिला है अगले साल के, तो वो ऐड होगा कि माइनस होगा? क्योंकि उसको बोलेंगे अपन एडवांस एट एंड, और वो माइनस इसलिए होगा क्योंकि दिस इज फॉर व्हाट? नेक्स्ट ईयर। वो इस साल के लिए नहीं है, वो अगले साल के लिए है, इसलिए वो अगले साल की इनकम होगी। सर मेन सब्सक्रिप्शन को समझना जरूरी है, इसके अलावा आपकी कोई भी जो यहाँ पे इनकम हो सकती है वो विश्वास मानो या तो आपको कोई रेंट मिलेगा, या तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा, या आपको कोई ऑनोरेरियम मिल सकता है, या कोई सैलरी मिल सकती है, इसके अलावा नॉर्मली यहाँ पे कोई इनकम नहीं होती। जहाँ सर डोनेशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? डोनेशन, कि आपको कोई डोनेशन मिल गया तो मिल गया, ठीक है ना, अदरवाइज आपकी कोई ऐसी इनकम नहीं होती, क्योंकि आप वही किसमें, अगर मैं बात करूँ तो आप सर्विस में हो, तो सर्विस के लिए मेन इनकम क्या? सब्सक्रिप्शन। आज मेरी कोचिंग की जो सबसे बड़ी इनकम है वो आप लोगों की फीस है, आपकी फीस के अलावा कुछ और थोड़ा कमा सकता है मैं इस कोचिंग में रहकर? सर बात तो ऑब्वियस है, मैंने बोला हूँ। अब अगर यहाँ पे मेरे खर्चे देखना होगा तो टू रेंट, ध्यान रखना, टू सैलरीज, इस रेंट में और ध्यान रखना इसमें भी आउटस्टैंडिंग एट एंड, अगर साल के एंड तक कुछ सैलरीज मैंने नहीं दी है तो वो ऐड हो जाएंगी? यस, है तो इसी साल की, और पिछले साल की सैलरी अगर इस साल दी है तो क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि वो पिछले साल की थी ना, तो सर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब यहाँ पे यही रूल चलता है दोस्तों, देखो रूल क्या चल रहा है, यहाँ पे प्लस क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एट एंड, माइनस क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, फिर प्लस क्या हो गया? एडवांस एट बिगिनिंग, और माइनस क्या हो गया? एडवांस एट एंड। तो सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता है? प्लस। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होता है? माइनस। अगर मैं आपसे बोलूं एडवांस एट बिगिनिंग, यहाँ पे क्या होता है? प्लस, और एडवांस एट एंड क्या हो जाएगा? सर क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला हाँ सैलरी हो या रेंट हो या कोई भी चीज हो, अगर हम बहुत यहाँ पे हम लोग है ना कैश बेसिस से आ रहे हैं अक्रूअल बेसिस पे, तो इस साल का बनता है आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब क्या? सैलरी फॉर दिस ईयर, सैलरी फॉर करंट ईयर विच इज नॉट पेड, विच इज नॉट, तो सर इसका मतलब खर्चा तो था ना, वो आपने पे नहीं करा, हम क्या करें? खर्चा था। इसका मतलब क्या? सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर विच इज पेड दिस ईयर, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो खर्चा इस साल का था कि पिछले साल का था। तो लॉजिक तो ये जानने का है कि इस साल के खर्चे की ही हम बातें करेंगे और उसको इस साल के खर्चे से ही मैच, इनकम से ही क्या करेंगे? मैच। तो अच्छी बात है। तो सेंट हो गया, सैलरी हो गई, अगर आप कुछ और ऑफिस लाइटिंग खर्चा कर रहे हो, अगर ऑफिस की लाइटिंग हो गई, कुछ रेमुनरेशन हो गया,
अगर आपको कुछ डेप्रिसिएशन लगाना पड़ रहा है अपने इक्विपमेंट्स पे, सर डेप्रिसिएशन किस पे? मेरे फर्नीचर पे, मेरे इक्विपमेंट्स पे, हमारी प्लांट एंड मशीनरी पे अगर है तो कुछ, तो क्या सर इन सब का डेप्रिसिएशन को भी खर्चा माना जाएगा? मैंने बोला हाँ। अगर मुझे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो क्या सर वो खर्चा हो जाएगा? मैंने बोला हाँ, अगर सर आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो खर्चा हो जाएगा। और डिपेंड, इसके अलावा भी आप कुछ ऑडिट फीस हो गई, कुछ टैक्सेस हो गए, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, आप न्यूज़पेपर मंगाते हो, फोटोकॉपी कराते हो, प्रिंटिंग कराते हो, पेट्रोल का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, पानी का खर्चा, स्टाफ वेलफेयर बोलते हैं उसको, तो ट्रेवलिंग का खर्चा हो गया, फोटोकॉपी का खर्चा हो गया, ये सब अभी खर्चे होते हैं। तो इन सारे खर्चों को जोड़ लो। तो जो बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि वो इनडायरेक्टली किसी की भी इनकम का अंदाजा लगाए, पर्टिकुलरली अगर वो सर्विस सेक्टर में है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता आपको, तो खर्चे को भी ढो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन को देख लेते कि यहाँ की इनकम, लेकिन उतने ही यहाँ के क्या होते हैं, खर्चे भी होते हैं। और जो डिफरेंस बचता है दोस्तों, वो रहता है सरप्लस। वो क्या रहता है आपके पास? सरप्लस, और वही आपका प्रॉफिट होता है। तो सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? सरप्लस। कभी भी किसी बच्चे ने यहाँ पे गलती से भी नेट प्रॉफिट लिख दिया तो वो जो बोर्ड्स का एग्जामिनर हुआ ऐसा एंग्री हो जाएगा, काला टीका लगा के, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो बहुत सारे नंबर काट लेता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड मत लिखना, सरप्लस। और यहाँ पे वो एंग्री कब होता है? जब गलती से अगर इस तरफ आता है तो आप उसको लॉस लिख देंगे, सब काला टीका लगा, काला मतलब नेट लॉस मत लिखना। यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं डेफिशिट। क्या बोलते हैं? डेफिशिट। सर मेन जो आपको चीज समझनी है, वो चीज आपको समझनी है सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना? वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सेकंड, अगर मैं सब्सक्रिप्शन को और डिटेल में समझाना चाहूँ इसी में सिस्टमेटिकली, तो उसका भी एक ट्रिक है। आप देख लो, जब भी आपकी इनकम आती है तो आप लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान रखिएगा, रिसीव ड्यूरिंग ईयर। इसका अर्थात क्या? इसमें आपका समझो, अगर 2000 एग्जाम्पल समझे कि 22-23 चल रहा है, तो 22-23 की जो फीस आई, लेट से 6,50,000, इसी में 21-22 की जो फीस आई समझो 80,000, और समझो 23-24 के लिए जो एडवांस फीस आ गई 1,70,000, इसमें तो सब आ जाता है। तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा? 9 लाख। तो कैसा 9 लाख आपकी इनकम है ना? बिल्कुल ना। ध्यान रखना कि नॉर्मली जो ये इनकम होती है ना 23-24, ये तो गारंटीड माइनस होती है, जिसको आप बोलते हो एडवांस एट एंड। क्या बोलते हैं? एडवांस एट एंड, मतलब ये अगले साल की, दिस इज द इनकम फॉर नेक्स्ट ईयर। नॉर्मली अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दिए हो तो ये भी इनकम माइनस होती है। इसको वर्चुअली आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बट जरूरी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमेशा इतना ही हो। समझो एग्जाम्पल, वैसे तो आप इसको भी माइनस ही करोगे, रीजन भी कि ये साल की इनकम नहीं है, पिछले साल की इनकम है, तो दिस इज द इनकम ऑफ व्हाट? प्रीवियस ईयर। तो इसको इस साल क्यों ऐड करेंगे? सर ऑब्वियस बात है, इस साल क्यों ऐड करेंगे? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, अगर आप और मैं माने और ढंग से बात माने, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल के बकाया कितने, अगर 21-22 के लोगों से लेना, या 21-22 की जो मेरा फीस बची भी हो, वो हो सकता है 1 लाख कितनी हो, 1 लाख उसमें से आई कितनी है? तो आप माइनस क्या करो, 80 की एक 1 लाख, इन दैट केस 1, क्योंकि पिछले साल की फीस बकाया कितनी है? 1 लाख, ठीक है ना? अभी उसमें से आई कितनी है? 80, मतलब 20,000 तो अभी भी आना बाकी है। कौन से साल की? 21-22 की। यहाँ पे तो 22-23 खत्म हो गया मान लो, ठीक है ना? तो कब की आना बाकी? 21-22 की, मतलब 1.5 साल पुराना। तो सर आप माइनस क्या करोगे? 1 लाख, क्योंकि पिछले साल की माना इनकम कितनी आई है? 80, बट 20 आना बाकी है। अब अगर मैं आपको बोलूं इस साल का, इसी में थोड़ा तो चस्का लगा रहा हूं, देखिएगा आप वो चीज, इस साल के हमारे पास मान लो एग्जाम्पल 200 स्टूडेंट से, और एक स्टूडेंट से हमारी फीस बनती थी मान लो 400, 4,000, ठीक है? तो इस साल की टोटल फीस कितनी बनती थी?
8 लाख टोटल फीस इस साल की बनती थी 8 लाख। अगर मैं कुछ और ना बात करूं तो फाइनल आंसर आना चाहिए 8 लाख ही वैसे, लेकिन उस 8 लाख में से आए कितने? 650। तो बकाया कितने? 8 लाख। समझने की बात है, 4000 बच्चे थे हमारे पास, 200 बच्चे थे, 200 स्टूडेंट्स थे, और हर बच्चे की फीस कितनी थी? 4000। तो सर साल भर के कितने आने चाहिए आपके पास? 8 लाख। इस साल की कितना है? इस साल, इसका मतलब इस साल के एंड में जो बच्चों से लेना बचे, जो बच्चे 1.5 लाख बोल रहे हैं उनको थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 लाख इस साल के बच्चे और 20,000 पुराने। तो सर टोटल कितने बकाया बचे? 1,70। ये चीज समझना यार बहुत जरूरी, जिसको ये चीज समझ में आ गई ना वो इस चैप्टर पे महारत हासिल कर लेगा कि इस साल के 1.5 लाख, 1.5 लाख आउटस्टैंडिंग बचे फॉर व्हाट? करंट ईयर, करंट ईयर का कितना पैसा लेना बाकी बचा है? 1.5 लाख। लेकिन क्या प्रीवियस ईयर का पैसा ही बाकी तक अभी 20,000। ठीक है, आया समझ में। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर इसी क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए, मैंने बोला देखो यार अगर ये तुमको पूरा क्वेश्चन फॉर्म में ये सब टेबल है तो आपको एक फॉर्मेट भी याद कर सकते हैं, और वो फॉर्मेट आपको बहुत हेल्प करेगा। सर कैसा? आप सबसे पहले लिख दो भाई यहाँ पे, बहुत सिस्टमेटिकली अगर आपको लिखना हो तो विल गो फॉर दिस। आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव, भाई साल भर में पैसा आया कितना? तो सर को 10,000, धन तो आया कितना? 9 लाख। धन कितना आ गया? 9 लाख। आप सबसे पहले एक चीज याद कर लो, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब साल के एंड में बकाया कितना। तो सर अपन ने हिसाब लगाया, 150 इस साल का बकाया है, प्लस 20,000 पुराना बकाया है, तो टोटल कितना बकाया सर? 170। सर ठीक है, ठीक, माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो सर पिछले साल कितना बकाया था? 20,000। पिछले साल का बकाया है 1 लाख रुपए। लास्ट ईयर कितना फीस नहीं आई थी बच्चों की? 1 लाख। लास्ट ईयर बकाया थी 1 लाख, उसमें से आई कितनी? 80। तो लास्ट ईयर टोटल बकाया कितनी थी फीस? 1 लाख। हाँ कि ना? क्या वो 1 लाख रुपए अपने इस साल की इनकम है क्या? नहीं। ये 170 तो 200 उल्टा क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, और 1 लाख क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मतलब इस साल की इनकम थी, ये प्रीवियस ईयर की। तो कौन से साल की? प्रीवियस। सर एक और बात बोलूं, कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो इसी के नीचे बस एक चीज और ध्यान रख लो, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस, तो एडवांस एट एंड क्या होगा? माइनस। सर मतलब जो अगले साल का पैसा आया है वो क्या हो जाएगा? माइनस। दैट इज कितना? 1 लाख। पिछले साल का पैसा कितना आया? शायद 1,70,000। आप चेक कर लो जो आपको नेट आ रहा है कितना आ रहा है? 8 लाख। और सर इसका आंसर भी कितना आना चाहिए? 8 लाख। क्योंकि इस साल बच्चों ने फीस दी हो या ना दी हो, 4,000 बच्चों की 200 रुपए के हिसाब से फीस 8 लाख बनती थी। तो इस साल सर पैसा तो आ जाएगा अपने 8 लाख। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी बच्चे ने साल स्टार्ट होने के पहले लास्ट ईयर ही एडवांस दे दिया हो तो एडवांस एट बिगिनिंग क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब ये साल 22-23 का पैसा अगर किसी ने 21-22 में ही दे दिया हो, जैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे मार्च में कोचिंग ज्वाइन करते, तो मुझे फीस कौन सा दे दो? इस साल की या अगले साल की? मार्च में कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आप मुझे फीस को अगले साल की देते हो? दे कब देते हो? इस साल। अब इस साल में जो 11th वाले 12th में जाएंगे वो मुझे फीस कब देंगे? अभी दे देंगे, लेकिन पढ़ेंगे कब? अगले साल। तो जो उनकी फीस है वो इस साल काउंट होनी चाहिए कि अगले साल काउंट होनी चाहिए? तो सर इस साल वो एडवांस एट एंड के नाम से क्या हो जाएगा? माइनस। और अगले साल एडवांस एट बिगिनिंग के नाम से क्या हो जाएगी? प्लस। इस साल में लोग बोलेंगे सर पैसा आ गया, मतलब आ रहा है इस साल की फीस ही नहीं है, ये तो बच्चे फीस भर रहे हैं अगले साल में, तो एडवांस एट एंड के नाम से क्या हो जाएगी इस साल? माइनस। और नेक्स्ट ईयर की जब अकाउंटिंग करूंगा तो लोग बोलेंगे पैसा कमा रहा है, चिंता मत करो लास्ट ईयर बच्चों ने फीस भर के रखी हुई है। तो सर दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनपीओ, अगर आपको समझ में आ जाने ये चीज तो इसके अलावा एनपीओ में ज्यादा और कुछ समझ नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको